मोदी जी बहस से भाग गए, उन्हें उन्हें राफेल पे हमसे बहस करनी चाहिए, जनता की अदालत में उन्हें उन्होंने हमसे बात करनी चाहिए और जनता का निर्णय होना चाहिए, मगर नरेंद्र मोदी जी भाग गए। पता नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में दौड़ गए जब यहाँ बहस हो रही थी, मगर राफेल से इनको कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि राफेल सच्चाई है और सच्चाई से ना नरेंद्र मोदी ना कोई और भाग के निकल सकता है। धन्यवाद। सीबीआई के चीफ को एक बजे रात को निकाला जी। क्यों निकाला? क्योंकि सीबीआई के चीफ राफेल पे इंक्वायरी शुरू करना चाह रहे थे। अब सीबीआई चीफ रीइंस्टेट हो गए हैं तो थोड़ा तो न्याय मिला, अब देखते हैं आगे क्या होता। नथिंग इज गोइंग टू सेव द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम राफेल, नथिंग। फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं, लेट मी फिनिश। नथिंग इज गोइंग टू सेव द प्राइम मिनिस्टर फॉर राफेल। द एविडेंस ऑन राफेल इज ओपन एंड शट। इट इज प्रिटी क्लियर दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज पर्सनली हेल्प्ड मिस्टर अनिल अंबानी गेट 30,000 crores। द डिफेंस मिनिस्टर स्पोक फॉर 2.5 hours। I have a simple question. Please tell the country when Mr. Narendra Modi bypassed the old Rafael deal. Did the Air Force, did the Defense Ministry raise an objection? So on the that's my question. I'm expecting a yes-no answer. The Defense Minister is not able to give one. Neither is the Prime Minister. And believe me when I tell you that the nation is going to 100% know that Narendra Modi has taken 30,000 crore rupees of the people's money and given it to his friend Anil Ambani. 100% without shadow of doubt, the nation will know this. Thank you.